Hey guys, I'm on this side, your yoga and fitness trainer. Kivyo tusi sare? Hope you all are doing great. So now, aaj hum back pain ko cover kar rahe hain. Back pain ko humne pehle ek aur video mein cover kar rakha hai, jisme humne proper back ki stretching batai hai. But kabhi hum log cover karenge ki back pain ke liye कभी कभार बैक पेन के लिए आपकी बैक मसल रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है. आपको शोल्डर पेन होती है लेकिन आप शोल्डर की स्ट्रेचिंग करते हो फिर भी आपकी पेन ठीक नहीं होती है. उसका रीजन यही होता है कि कभी ऐसी मसल होती है जिसमें इंजरी होने की वजह से आपके बैक और शोल्डर में प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन वो आपके उस टाइम पे इंजरी आपको शोल्डर मसल बैक पेन को बैक मसल्स को नहीं होती है. तो उसीलिए आपको ये जानना जरूरी है कि वो मसल कौन सी है और उसका आप चेक कैसे कर सकते हो कि आपको बैक मसल्स की वजह से जो पेन आ रहा है वो बैक मसल्स की वजह से आ रहा है किसी और मसल की वजह से. उसके लिए जो मसल रिस्पॉन्सिबल होती है उसको बोलते हैं लैट्स, दैट इज मस डोसाई. लैट मसल लार्जेस्ट मसल है हमारी बॉडी की, जो कि शोल्डर से लेके हिप तक आपके बैक को कवर करती है. सो कभी कभार ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर वार्म अप या फिर एक्सरसाइज करने के बाद आपने अच्छे से कूल डाउन एक्सरसाइज नहीं कर रखी है या स्ट्रेचिंग नहीं दे रखी है, उसकी वजह से भी उस मसल में इंजरी आ जाती है. या फिर ड्यू टू लैक ऑफ हाइड्रेशन भी ये इश्यूज आ जाते हैं कि आपको लैट मसल है उसमें पेन आता है. सो सबसे पहले आप चेक कैसे करोगे कि आपको जो पेन हो रहा है शोल्डर या बैक मसल में वो किस लैट मसल की वजह से है या नहीं है. ये चेक करने के लिए कि आपकी लैट्स मसल में इंजरी है या फिर कोई इश्यू है जो आपकी लैट्स मसल की वजह से है, उसको चेक करने के लिए एक सिंपल सी स्ट्रेचिंग होती है. सो नाउ यू सिट लाइक दिस, स्ट्रेच योर हैंड्स, स्ट्रेच योर एल्बो स्ट्रेट, जॉइन देम टुगेदर. नाउ मूव टू साइड, 1 2. ऐसे जब आप साइड में जाओगे यू विल फील कि अगर आपके किसी भी लाइक लेफ्ट या राइट साइड के लैट्स मसल में प्रॉब्लम हुई तो उस साइड आपकी रोटेशन कम होगी. तो इससे आप पता लगा सकते हो कि आपकी लैट्स मसल की वजह से जो बैक और शोल्डर पेन आ रही है उसमें इंजरी की वजह से है या फिर नहीं है. अगर अभी आपका कंफर्म हो जाता है कि मान लो आपको राइट साइड में लैट्स का इशू है या लैट्स मसल में दिक्कत है, तो आप उसको क्योर कैसे करोगे. उसके लिए सिंपल सी स्ट्रेचिंग है जो हम लोग अभी करने वाले हैं. सो फर्स्ट आप एक राइट हैंड होल्ड वॉल राइट हैंड ऊपर करना है और वॉल पे ऐसे लगाना है. तो यहाँ से ये पूरी लैट्स मसल स्ट्रेच होने वाली है. सो नाउ टेक अ हैंड बैक, फ्रंट बैक. नाउ ब्रीद इन, स्ट्रेच योर हैंड स्ट्रेट, ब्रीद आउट, गेट बैक, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. ये आप करोगे 10 times. ये सिंपल सी स्ट्रेचिंग है जो आप करोगे तो आपके लैट्स मसल रिलैक्स हो जाएंगे और उसकी वजह से जो इशू आ रहा है वो भी क्योर हो जाएगा. दिस इज फर्स्ट वन. और सेकंड एक्सरसाइज आप कैसे करोगे, टेक अ राइट हैंड, नाउ टेक अ लेफ्ट हैंड, होल्ड हैंड्स लाइक दिस, नाउ स्टे इन दिस पोजीशन, स्टे इन दिस पोजीशन, डू ब्रीद इन ब्रीद आउट 10 times, डीप ब्रीद इन आउट, डू इट 10 times और इसको आप 5 times रिपीट करोगे. एंड थर्ड एक्सरसाइज, थर्ड स्ट्रेचिंग जो आप दे सकते हो, कोई भी स्टूल लेना है. अब उसके बाद में यहाँ पे इस एंगल पे आना है, पोर्ट लो स्टूल की लाइक दिस. नाउ स्ट्रेच योर हैंड स्ट्रेट, ब्रीद इन, होल्ड योर हैंड्स बैक, यू विल फील स्ट्रेचिंग इन योर लैट्स मसल, ब्रीद आउट, डाउन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट. ये आप करोगे 10 times. अगर आप ये 3 simple स्ट्रेचिंग डेली करते हो तो आपके लैट्स मसल में जो भी क्रैम्प्स आए हैं या फिर कोई भी इंजरी हो रखी है उससे आपको ठीक बेटर फील होगा. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो बाय माय चैनल. अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट आपको अपकमिंग वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मुझे नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक कवर करना चाहिए. दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.